अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाल किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी छोटे पावे। किस तरह बनाते हैं, क्या करते हैं? लोग तो हल्की आग पे बस रख देते हैं जी, रात को रख दिए, सुबह उठ के नाश्ता करेंगे। जी नहीं, सबसे आसान तरीका आज आपको बताने वाली हूँ। छोटे पावे बनाने हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में। हाँ जी, खाने को आप जितना पकाएंगे उसके प्रोटीन हमेशा कम होंगे, ये बात आप याद रखिए। पावे बनाने का तरीका ये है, कोई प्याज टमाटर का मसाला नहीं डालना, कोई दही नहीं डालनी, कुछ नहीं करना। सिंपल सा तरीका है, या आपने एक प्रेशर लेना है, उसके अंदर आपने ये चार पावे डाल देने। ये पास इस टाइम चार पावे हैं, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने से ये होता है कि जो इसकी स्मेल होती है वो चली जाती। कईयों को इसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप इसको उबाल लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं उबालेंगे तो खैर है, कोई कंपल्सरी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर अब आपने डालना क्या? गुलशन की प्लेट पूरी दिखाओ। ये दार चीनी है, ये आपने तीन ले लेनी है बड़ी। एक लहसुन लेना है, ये दो प्याज है, ठीक है, इनको मैंने ऐसे काट लिया बड़े साइज के। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप छोटे ले लें। तीन बादिया ताई के फूल हैं, पांच से छह लौंग हैं, तीन मोटी इलाचियां हैं, और ये काली मिर्च आपने जरा एक एक चम्मच ले लें, आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। ये सारे मसाले आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे नमक। हमेशा की तरह कहूंगी हस्बैंड जरूरत डाले, मैं एक चम्मच डाल रही हूँ। लाल मिर्च डालेंगे दो चाय के चम्मच, अगर आप ज्यादा पसंद करते हैं तो आप ज्यादा डाल लें। हल्दी डालेंगे आधा आधा चम्मच बस। इसके साथ ही अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसमें ये पावे गल जाएं। ये मैंने पानी इसमें डाल दिया, और आखिर में इसमें मैं सूखा धनिया डालने लगी हूँ, वो आपने तीन से चार चम्मच ले लेने बड़े सूखे धनिया। अब हम इसको वेट लगवाएंगे तकरीबन आधे घंटे का। आधे घंटे बाद हम आपसे मिलेंगे। अब आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसको चेक करेंगे। मेरे पावे देखे बिल्कुल गल चुके हैं, अब हम इसको छान लेंगे। ये देखे मैंने इसको छान लिया, मैंने इसकी यखनी जो है वो अलग कर ली है, और ये पावे मैंने यहाँ पे निकाल लिए। बाकी इसके अंदर जो सूखा धनिया वगैरह सारा गरम मसाला था वो आपने वेस्ट कर देना है। अब करना क्या है, एक पतीली में आपने एक कप ऑयल या घी शामिल कर देना है। जैसे ही हमारा घी गरम हो जाएगा हम इसमें पावे डाल के इसको भूनेंगे थोड़ी देर। मेरा घी गरम हो चुका है, इसमें मैं पावे डाल के कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा, इसमें जो हमने यखनी होगी निकाली होगी वो इसमें डाल देंगे। कोई प्याज कोई टमाटर कुछ नहीं आपने इसमें डालना। मैंने इसमें यखनी डाल दी है सारी, ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त। बस इसको अब हम हल्की आग पे थोड़ी देर पकाएंगे। इसको हल्की आग पे रख दिया था। हल्की आग पे रखने से ये होगा कि इसके ऊपर ये जो आपको तरी नजर आ रही है ये आ जाएगी। मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया, कई लोगों को जीरा पसंद होता है तो वो डाल लेते, कईयों को नहीं पसंद तो कंपलसरी नहीं है कि आप डालें। अच्छा, अब हम इसको आपको डिशअप करके दिखाएंगे। ये देखे मैंने इसको डिशअप कर लिया है, मेरा पावा ये देख सकते हैं आप, ये बोटी जबरदस्त, कितना जबरदस्त गल गया मेरा। मेरे मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। मैंने जैसे आपको बताया आपने सेम वैसे ही बनाना है। अगर आप अपने भी इसमें कोई साइंस डालेंगे तो ये बाजार जैसे पावे बिल्कुल नहीं बनेंगे, सेम बाजार जैसा टेस्ट है मेरा। ये रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए अपने घर में, मुझे कमेंट में बताइएगा कैसी बनी है। मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अच्छी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।